क्या है जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का इंडिया कनेक्शन जो उसे एक नई ऊंचाई पर ले आया है और उसकी तकदीर बदल गई है, तो इसका श्रेय जाता है हमारे पूर्व सलामी बल्लेबाज लालचंद राजपूत को। चलिए जानते हैं उन्होंने ऐसा कैसे किया। लालचंद राजपूत ने बताया कि यह जुलाई 2018 की बात है जब वो जिम्बाब्वे की पुरुष टीम के मुख्य कोच का पद संभाला और अगले ही दिन पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हुई। पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच 13 जुलाई 2018 को खेला गया था। लालचंद राजपूत ने बताया, मैच से एक दिन पहले मुझे जिम्बाब्वे क्रिकेट ने सूचित किया कि सीन इरविन, क्रेग विलियम्स, सिकंदर रजा और ब्रेंडन टेलर बोर्ड के साथ चल रहे वेतन विवाद के कारण बाहर हो गए हैं। मैं हैरान था। उन्होंने कहा, जिम्बाब्वे क्रिकेट के प्रबंध निदेशक गिवमोर मकोनी ने मुझसे कहा कि हम सीरीज रद्द नहीं कर सकते, हमें अनुभवहीन टीम मिली और पहले मैच में हम 100 रन और फिर तीसरे मैच में 50 के आसपास ऑल आउट हो गए। ऐसा होने के बाद मुझे पता था कि मुझे चीजों को बदलने के लिए रुकना पड़ेगा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कहा, हम 2019 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहे और फिर निलंबित हो गए। वह सबसे खराब दौर था, इसलिए मुझे केवल 4 सालों में इस परिवर्तन पर गर्व है। जिम्बाब्वे ने बुधवार को पाकिस्तान को 1 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप में अपनी सबसे बेहतरीन जीत में से एक हासिल की और इससे राष्ट्रीय टीम के मौजूदा तकनीकी निदेशक राजपूत से ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता था। राजपूत ने कहा, मेरा सपना उन्हें ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते देखना था। यह सोने पर सुहागा है और मुझे अपने पर गर्व है। आपको ये बता दें कि जब 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता था तो उसके कोच भी राजपूत ही थे। राजपूत क्वालिफायर तक टीम के साथ थे, लेकिन वह दिवाली के समय अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे और इसलिए वापस लौट गए। नील जॉनसन, फ्लावर बंधु, एंडी और ग्रांट, मरे गुडविन, पॉल स्ट्रैंग, हेनरी ओलोंगा और हीथ स्ट्रिक जैसे खिलाड़ियों के जाने के बाद जिम्बाब्वे का क्रिकेट कभी पहले जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाया। इसे प्रशासनिक अक्षमता कहें या खिलाड़ियों की गुणवत्ता में गिरावट या कम वेतन को दोष दें, जिम्बाब्वे का क्रिकेट बद से बदतर होता गया। सरकार ने इसके बाद क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। प्रशासनिक मोर्चे परिस्थिति में सुधार हुआ है। इस बीच खिलाड़ियों और राजपूत को उनकी सेवाओं के लिए सीधे ICC ने भुगतान किया। राजपूत की असल में जिम्बाब्वे से जुड़ने की कोई योजना नहीं थी क्योंकि वह ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान टीम को कोचिंग देकर खुश थे, लेकिन चीजें तब बदल गई जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी चाहते थे कि वह जूनियर वर्ल्ड कप की अंडर-19 राष्ट्रीय टीम तैयार करने के लिए काबुल आए। उन्होंने कहा, मैंने उनसे विशेष रूप से कहा था कि मैं काबुल कभी नहीं आऊंगा, इसलिए जैसे ही उन्होंने जोर दिया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। इसे मीडिया ने कवर किया और फिर 1 हफ्ते के भीतर मकोनी ने मुझे फोन किया और मुझे मुख्य कोच की नौकरी की पेशकश की। इस प्रकार उन्होंने साबित कर दिया कि एक अच्छा कोच किसी भी टीम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपने विचार कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।